और दिल्ली के वक्फ बोर्ड घोटाले में आप विधायक अमानतुल्ला खान पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कल चार ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में एसीबी को कैश मिला, जिसके बाद एसीबी ने आप विधायक अमानतुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। 60 सेकंड में देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में कल कई घंटे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान से पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पहले दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें छापे के दौरान लाखों रुपए कैश बरामद हुए थे। इसके अलावा अमानतुल्ला खान के करीबी के ठिकानों पर भी कल छापेमारी हुई। एसीबी को छापेमारी में प्रॉपर्टीज और बिजनेस ट्रांजैक्शन से जुड़े कागजात भी बरामद हुए। एसीबी चीफ मधुर वर्मा के मुताबिक अमानतुल्ला खान से पूछताछ के आधार पर ये छापेमारी की गई। बता दें कि अमानतुल्ला खान पर वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में वित्तीय गड़बड़ी, गाड़ियों की खरीद में भ्रष्टाचार और दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्तियों के आरोप हैं, जिसको लेकर एसीबी ने जनवरी 2020 में केस दर्ज किया था। अमानतुल्ला खान ने एसीबी की कार्रवाई पर दिल्ली के एलजी को निशाने पर लिया और एलजी को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा कि सच को कभी आंच नहीं आती और मुझे इस देश के संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।